आज हम जानेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में, जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। यानी कि किसी बिंदु पर आकर के कितनी भी धाराएं मिले, उन सभी का कुल योग शून्य रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आप एक चित्र बना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी ये I2 और ये I1 हमारी आने वाली धाराएं हैं, जो कि बिंदु O पर आ रही हैं। ये कोई बिंदु O है जहां पर दो धाराएं I1 और I2 आ रही हैं, और इसी बिंदु से तीन धाराएं I3, I4 और I5 निकल करके जा रही हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके दो वायर्स आ रहे हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिसिटी आकर के मिल रही है, वो तीन पॉइंट से बाहर निकल करके जा रही है, या दो वायरों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और तीन से अलग निकल रही है। तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम ये कहता है कि अब ये जो दो धाराएं आ रही हैं और तीन निकल रही हैं, अगर इन पांचों को हम जोड़ें तो कुल योग शून्य आएगा। शून्य इसलिए आएगा क्योंकि दो वायर से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या आपके वैद्युत धारा आ रही है, वो तीनों से निकल रही है। तो इस पॉइंट पर जो कुल धारा होगी वो कितनी होगी? शून्य। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। या आप इसे और सीधे शब्दों में इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर रहता है। अब चित्र बनाएंगे आप, इसके बाद में इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी भी लिखनी होगी, और थ्योरी में लिखेंगे माना कोई बिंदु ओ है जिस पर दो धाराएं I1 और I2 आकर के मिलती हैं और I3, I4, I3, I5 धाराएं निकल करके जाती हैं। I1 और I2 को धन धाराएं कहते हैं और I3, I4, I5 को ऋण धाराएं कहते हैं। तो देख सकते हैं आप कि I1 प्लस I2, क्योंकि ये आने वाली धाराएं हैं तो ये एक दूसरे के जोड़ के बराबर होंगी, और ये आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान तो कुल योग जो जीरो होता है। यानी कि इन दोनों को और इन तीनों को सभी को जोड़ लें आप, तो वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। तो ये तो है हमारी आने वाली धाराएं और ये है सभी जाने वाली धाराएं, ये धन धाराएं हैं और ये ऋण धाराएं हैं, तो इनका कुल योग क्या रहता है? शून्य। ये धन धाराएं हैं और ये आपकी ऋण धाराएं हैं, इन सभी का कुल योग रहता है हमारा शून्य। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का मान जीरो होता है। कोई परिपथ है जिसमें एक पॉइंट है जिस पर कई धाराएं मिल रही हैं, तो सभी का कुल योग शून्य रहेगा। या इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किरचॉफ का नियम यह भी कहता है कि आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है।